Okay, for the box pleat skirt, first you have to cut the front and the back of the skirt. आपने फ्रंट और बैक कट कर लेना है और उसकी जो मेजरमेंट है, फर्स्ट यू हैव टू मेजर योर वेस्ट ऑफ द स्कर्ट. अगर आपकी वेस्ट स्कर्ट की दैट इज़ 32 इंचेस, तो आपने डबल या ट्रिपल द फैब्रिक लेना है. आपने डबल या ट्रिपल द वेस्ट फॉर द फ्रंट एंड बैक. फॉर द फ्रंट 32 का हाफ होता है 16 इंचेस, 16 फॉर द फ्रंट हो गया, 16 फॉर द बैक. तो आपने डबल कर लेना उसको, 32 इंचेस कर लेना फ्रंट, 32 इंचेस बैक. और आपको प्लीट्स और भी हैवी चाहिए और उनका इनटेक, मोर ओवर जो इनटेक है प्लीट्स का, अगर वो भी आपको ज़्यादा चाहिए, इनटेक जो होता है हमारा प्लीट का, वो आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप ज़्यादा ले सकते हो अपना विड्थ ऑफ द फैब्रिक, जो आपने विड्थ लेनी है. ठीक है, मोर ओवर बॉक्स प्लेट जो कट होती है वो ऑन ग्रेन कट होती है. ठीक है, और आपने जब इसको कटिंग करनी है, मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि आपने माइनस कर देना है बेल्ट लेंथ, बट ऐड सीम अलाउंसेस फॉर द वेस्ट एंड बॉटम. ठीक है, तो अगर आपकी स्कर्ट लेंथ 20 इंचेस है, तो अगर ऊपर आपको बेल्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचेस चाह रहे हो, तो आप माइनस करके 18 हो गया. 18 में आपने ऐड करने हैं सीम अलाउंसेस फॉर द वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 1 इंचेस, एंड फ्रॉम द बॉटम के लिए आप 1 to 1.5. अगर आपको ब्रॉड बनाना, अगर आपको अपना बॉटम से आप ब्रॉड फोल्ड करना चाहते हो, तो आप 3 to 4 इंचेस भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू. वो आपने ऐड कर लेना. मैंने कट कर लिया अपना फ्रंट और बैक जो अपनी स्कर्ट का है. और मोर ओवर गिव द ए लाइन शेप, ए लाइन शेप दे देना आप अपना स्कर्ट को. आपने ए लाइन शेप में कट कर लेना, लास्ट में जब पीसेस कट कर लोगे. फ्रॉम द फ्रंट इसमें भी आपने बॉक्स प्लीट बता रही हूँ, नाइफ के लिए भी सेम है, इन्वर्टेड के लिए भी सेम ही है. बस आपने जो आप फैब्रिक है आपके पास पूरा जितना विड्थ है उसको आपने अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट आपने सेट कर लेना. ठीक है, वेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना आपने. इसमें प्लीट्स डालनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द वन साइड. एक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच छोड़ के आप प्लीट डालना शुरू करोगे. 1 इंच आपने यहाँ से छोड़ देना है, देन फिर प्लीट डालनी स्टार्ट करनी है. बॉक्स प्लीट के लिए जो इनटेक लेना है इट्स अप टू यू. अगर आपको इनटेक ज़्यादा चाहिए तो आप 1 इंच का इनटेक रख लो, और अगर आपको इनटेक कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच का इनटेक रख रही हूँ. बॉक्स प्रॉपर आपका बॉक्स बनना चाहिए. दोनों तरफ मैं 1 1 इंचेस का इनटेक रख रही हूँ. ठीक है, आप कम भी कर सकते हो और इससे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो इनटेक को. और मोर ओवर आप इसको पहले सारी प्लीट्स को आप प्रेस करके भी सेट कर सकते हो. ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट ही अपने मशीन पे आना, आप इसको प्रेस करके सारी प्लीट्स को आप प्रेस के साथ सेट करके भी आप इसको सेट कर सकते हो, देन एक फाइनल स्टिच लगा देना. प्रेस के साथ भी आप इसको सेट कर सकते हो. मशीन बास्टिंग करना नंबर 5 पे रख के, बिकॉज समटाइम्स एक बारी में सेट नहीं होती, तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट कि आप अगर पहले प्रेस करके सारी प्लीट्स को अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लो, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा स्टिच करना. बॉक्स देख रहे हो, मेरे बॉक्स बन रहे हैं. आप इसको अगर प्रेस करके सेट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा. ये आपको जस्ट एक वेस्ट पे एक फाइनल स्टिच ही लगाना होगा. फिर
ज़िपर मैंने आपको बता दिया था, उसमें ए लाइन स्कर्ट में आपको ज़िपर बताया है, गेदर स्कर्ट में मैंने आपको इलास्टिक बताई है। इसमें हम कोई ओपनिंग नहीं रखेंगे, जैसे अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म्स में देखते हो, स्कूल यूनिफॉर्म्स ड्रेसेस जो हम पहनते थे, उसमें हम बॉक्स प्लीट वाली स्कर्ट्स या नाइट प्लीट वाली स्कर्ट प्रेफर करते थे, तो उसमें साइड में सिर्फ 2 to 3 inches की ओपनिंग होती थी जहाँ पे हम हुक्स लगाते थे, तो उस तरह से फिनिश करेंगे इसमें हम। इनटेक ऑफ द प्लीट इट्स डिपेंड कि आपको कितने बॉक्स हैवी चाहिए, आप रख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा इनटेक से हम 1-1.5 रखते हैं, आप उसको कम करके 1/2 inches भी रख सकते हो इनटेक, जो अंदर इनटेक ले रहे हैं फैब्रिक का, बॉक्स के अंदर जो इनटेक है वो आप उसको 1/2 inches भी ले सकते हो, और उसको इंक्रीज करके 1-1.5 भी कर सकते हो, अगर आपके पास अगर विड्थ अच्छी है फैब्रिक की, अगर आपके पास विड्थ अच्छी है फैब्रिक की तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी इनटेक को मैनेज कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने अपनी वेस्ट जो है एक साइड मैंने रेडी कर ली है, और इसको मैं अच्छे से देन मैं प्रेस कर लूँगी। ये मैंने एक तरफ फ्रंट पे जो मैंने इसको सेट कर लिया है बॉक्स प्लीट्स को, देन मैं बैक पे भी इसी तरह से सेट कर लूँगी। इसी तरह से आपने बैक पे भी सेट कर लेना, और अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग आपने बॉक्सेस को सेट कर लेना दोनों फ्रंट और बैक पे। वन इंच स्टार्टिंग में आपने छोड़ना है, दोनों एंड पे 1-1 inch आपने छोड़ के, और सेंटर पार्ट में आपने बॉक्सेस जो हैं वो सेट कर लेने हैं फ्रंट पे भी और बैक पे भी अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट। वेस्ट से कम मत करना, अगर आपकी 32 inches वेस्ट है तो उसको 31 या 30 पे मत सेट करना, एक्स्ट्रा हो जाए तो इट्स कन्वीनियंट टू वेयर, है ना, कि आपको कन्वीनियंट रहेगा, इट्स मोर कंफर्टेबल टू वेयर, बट कम नहीं होनी चाहिए वेस्ट से, आप ज़्यादा ही रख के चलो, अगर आपकी सेट बॉक्सेस की सेटलमेंट नहीं हो रही है, सेट करने में हो जाएगा, तो 32 से 33 हो सकता है, 34 हो सकता है, वो आपको कन्वीनियंट होगा पहनना, ठीक है, 1 inch एक्स्ट्रा हो जाए बट उसको कम मत रखना, मेक श्योर। तो आपने पहला स्टेप यही है कि आपने कटिंग कर लेनी है, देन फ्रंट और बैक पे आपने वेस्ट के अकॉर्डिंग बॉक्सेस सेट कर लेने हैं।